दोस्तों, आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का मसाला। मसाला इसके लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं हम देखते हैं। पनीर कटे हुए हैं, प्याज दो प्याज, एक बड़ा वाला टमाटर, गार्लिक और जिंजर की पेस्ट, 5 या 6 काजू की पेस्ट, सूखा नारियल, पनीर टिक्का मसाला और मिर्च पाउडर। एक पॉट में ऑयल गरम करके उसमें पनीर के पीस को फ्राई कर दें, रेड होने तक फ्राई करें। पनीर को गर्म पानी में डालिए और उसके बाद टमाटर और प्याज के फ्राई करें। उसे प्याज को रेड होने तक फ्राई करिए, इसलिए उसको हम 15 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बनाइए। ये हमने फ्राई किया हुआ प्याज और टमाटर है, इसकी पेस्ट बनाइए। पॉट में ऑयल लेके इस पेस्ट को फ्राई कीजिए। दस मिनट तक इसे फ्राई कीजिए, इसे तेल छूटने तक। फ्राई किए हुए पेस्ट में जिंजर और गार्लिक की पेस्ट डालिए, सूखा नारियल डालिए, 2 चम्मच पनीर टिक्का मसाला और 1 चम्मच मिर्च पाउडर डालिए। अब ये सबको 5 मिनट तक रखिए। अब इसके बाद गर्म पानी में रखे हुए पनीर पानी के साथ डालिए। और नमक डाल के इसे 10 मिनट तक गैस पर रखिए। लास्ट में काजू के पेस्ट डालिए और 10 मिनट तक रखिए। यह हमारा पनीर टिक्का मसाला अब रेडी हो गया।